हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप भट्ट। मैं हूँ पूनम भट्ट और दीप पूनम ब्लॉग में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में आपने बहुत सारी जगह देखी होगी, पर आज कुछ ऐसी जगह पे आए जो बहुत एक्सप्लोर ना की हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और ये स्टॉल है वो यहाँ पे बहुत सारे सालों से है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम आज आपको वही जगह दिखाने वाले हैं जिसका नाम है संध्या घुघरा भुंगरा बटेटा। तो भैया, आप यहाँ पे कितने साल से हो? मैं यहाँ पे 8 साल से। अच्छा, और आपकी यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? घुघरा से भुंगरा बटेटा से। अच्छा, घुघरा और भुंगरा बटेटा। मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ से निकल रहा था तो ये नोटिस किया, और आपके बारे में बहुत सुना है लोगों से कि आप की स्पेशलिटी है घुघरा भुंगरा बटेटा। तो क्या अलग होता है आपके घुघरा में? घुघरा में चटनी है, राजपुर वाली लीली चटनी है, मीठी चटनी है, खजूर वाली। अच्छा, लहसुन वाली चटनी है, ये डाल के थोड़ा स्वाद आता है, अच्छा लगता है, राजपुर वाली चटनी है। अच्छा, ये सब मैं रखता हूँ, सेव भी डालता हूँ। यहाँ इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग सुबह 9:30 से घुघरा मिलेगा, 3 बजे तक मिलेगा। 3 बजे तक का सुबह 9:30 से 3-4 बजे तक घुघरा मिलेगा, घुघरा बटेटा मिलेगा। ओके और किसी को यहाँ पे आना हो तो कॉर्पोरेट रोड पे हो? ओके ठीक है। और प्राइस क्या है? घुघरा की भी 30 रुपए है, घुघरा बटेटा की भी 30 रुपए। ओके ठीक है, चलिए। भुंगड़ा बटेटा भावनगर की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड डिश है। इसमें उबले हुए आलू को ऑयल में फ्राई किया जाता है, इसके बाद लहसुन, लाल मिर्च, धनिया और जीरे का पाउडर, बेसन और नमक की पेस्ट बनाई जाती है, जिसको आलू के ऊपर अच्छे से कोट किया जाता है। अच्छी तरह से कुक होने के बाद इसके ऊपर धनिया डाला जाता है। सर्व करते समय इसके ऊपर चना, बहुत सारी गार्लिक चटनी, मसाला और नींबू डाला जाता है, जिससे टेस्ट काफ़ी चटपटा रहता है। अब हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और इसके साथ भुंगड़ा सर्व किया जाता है, जो कि फ्राई करके ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है। यहाँ पे भुंगड़ा को कुछ इस तरह से मसाले वाले आलू के साथ सर्व करते हैं। ये प्लेट की प्राइस है केवल 30 रुपीस। तो आज हम ट्राई करके आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं फिर से चाइल्डहुड की मेमोरीज याद कर रही हूँ, जो हम ऐसे हाथ में लगाते थे। ये है हमारी डिश भुंगड़ा बटेटा, जिसमें आलू और चने का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसे रेसिपी अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। ये डिश दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उतनी ही फ्लेवरफुल है। गार्लिक चटनी की वजह से आलू स्पाइसी है, लेकिन भुंगड़ा के साथ इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है। उसके बाद हमने ऑर्डर किया जामनगरी घुघरा, जो कि जामनगर की बहुत ही प्रख्यात स्ट्रीट फूड आइटम है। अगर आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घुघरा में सबसे पहले पूरी बनाई जाती है, जिसके अंदर आलू का मसाला स्टफ करके उसको फ्राई किया जाता है। सर्व करते समय घुघरा के पीसेस करके उसके ऊपर राजकोट की फेमस ग्रीन चटनी, गार्लिक चटनी और इमली की चटनी डाली जाती है, जिससे एक मीठा और तीखा टेस्ट मिलता है, और उसके ऊपर मसाला और सेव डालने के बाद सर्व किया जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारा जामनगरी घुघरा खाने के लिए रेडी है, जिसकी प्राइस केवल 30 रुपीज़ है। मैं ट्राई करने वाली हूँ घुघरा। खट्टा, मीठा, तीखा, एकदम कॉम्बिनेशन है सारी डिश का। जामनगरी घुघरा मुझे बहुत पसंद है, तो कमेंट करके बताइए कि आप जामनगरी घुघरा खाने कहाँ जाते हो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।